असामाजिक तत्वों व आपराधिक घटनाओं को लेकर हुई अग्रवाल समाज की बैठक, बाड़ी की प्रमुख खबर। शहर की अग्रवाल पंचायती धर्मशाला में अग्रवाल समाज द्वारा कस्बे में विगत 15 दिन में जो आपराधिक घटनाक्रम हो रहा है उसको लेकर मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें सर्व समाज के लोगों ने हिस्सा लिया और मीटिंग के बाद लोगों ने काली पट्टी बांधकर शहर के मुख्य बाजार में पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए रैली निकाली व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम बाड़ी उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बैठक को मुकेश सिंगल, अग्रोहा, जिला महामंत्री मनोज मोदी, सरमतरा समाज से प्रतिनिधित्व कर रहे वीरेंद्र गोयल, अग्रसेन सहायता समिति अध्यक्ष भगवती प्रसाद मित्तल, गौशाला अध्यक्ष सुनील गर्ग, ताराचंद गोयल, पूर्व बीजेपी अध्यक्ष सहित अनेक लोगों ने बैठक में अपने विचार व्यक्त किए तथा पुलिस की कार्यशैली की घोर आलोचना की। इस आयोजन में महामंत्री सतीश चंद अग्रवाल, डॉक्टर सुरेश मंगल, ओम प्रकाश गोयल, विनोद जिंदल, रामनिवास गर्ग, प्रमोद गर्ग, राकेश गर्ग, ठाकुरदास बंसल, अशोक सर्राफ, विजय सिंघल, विष्णु मासलपुरिया, गोपालदास गर्ग, रवि मोदी, गोपालदास गोयल, हरिशंकर मंगल, अजय गर्ग, महावीर गर्ग, नरेंद्र गोयल, अमित मंगल, अंशुल गर्ग, गौरव गर्ग, सोहन मित्तल, राजू वर्मा, कमलेश आर्य, विमला मित्तल, उषा गर्ग, सुमन मंगल, शारदा गर्ग, उर्मिला मंगल, दिनेश बागथरिया, नरेंद्र मंगल, अशोक गोयल, रोहित मंगल, योगेश मंगल सहित सैकड़ों लोग शामिल रहे। पर अभी डीएसपी साहब ने बताया कि बहुत जल्दी घटना करेंगे, जो सुन देंगे हम घटना को। पर हम डीएसपी साहब से कहना चाहते हैं, कोरोना में हमारा समाज थाने पर गया, आपने जब महिला कॉन्स्टेबल की आज एक साल हो गई, आपका आश्वासन जुटा रहा, अभी तक कोई आश्वासन की पूर्ति नहीं हुई। दूसरा, सात दुकानों के ताले टूटे, जब भी आपने आश्वासन दिया कि हम आपके समाज के साथ हैं, वो सात घटना अभी तक आपने नहीं खोली। तो हम डीएसपी साहब से ये आश्वासन चाहते हैं कि पक्का आश्वासन दो, जो हमारी मांगें पूरी हों, व्यापार मंडल सुरक्षित रहे, जाएगी तो व्यापारी जी के साथ हैं। अब आपको यहाँ प्रशासन और क्षेत्रीय विधायक गिरिराज सिंह मलंगा ने आश्वासन दिया है कि आप इससे संतुष्ट हैं? हम क्षेत्रीय विधायक गिरिराज सिंह मलंगा जी के आश्वासन से संतुष्ट हैं। डीएसपी साहब से पूछा जाए कि दो बार उन्होंने आश्वासन दिया हमारे लिए कोरोना काल में, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ, इसलिए हम पर्सनल तौर पे हम तो आश्वासन से संतुष्ट नहीं है। हम चित्ती विधायक जी से संतुष्ट हैं। चित्ती विधायक ने हमारे नवयुवक मंडल के प्रोग्राम में जाके कहा कि कोई भी गुंडागिर्दी नहीं होगी। कई दिन आपकी गाड़ी भी बीच बाजार में ठाड़ी करके सब्जी लेने चले जाते हैं। भाई साहब, हम तो क्या सब्जी ले गए ही नहीं, मैं इसकी सब्जी ला रहा छोरा जो केले पे खड़ा है। पुलिस की गाड़ी कई दिन बीच चौड़ाई पे खड़ी रहती है, उससे जाम लगता रहता है। अस्पताल के सामने जरूर खड़े रहते हैं हम तो आप और मोटरसाइकिल पे क्लियर कर देंगे, लेकिन फिर शिकायत मत करना। नहीं, कोई शिकायत नहीं है। दुकानों को आगे बिल्कुल बिल्कुल सबको हटाओ, जिसका अतिक्रमण हो बिल्कुल हटाओ, सबको हटाओ, खूब घूम कर कहीं नहीं आओ। और मेरे साथ और मत कहना, नहीं कहेंगे पीजी कॉलेज रेलवे फाटक के पास पानी के गड्ढे में मिला व्यक्ति का शव, जीआरपी एवं कोतवाली पुलिस में इलाके को लेकर गफलत, धौलपुर से प्रमुख खबर। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह राजकीय पीजी कॉलेज के रेलवे फाटक के पास रेलवे पटरियों के बगल में पानी के गड्ढे में करीब 40 वर्षीय व्यक्ति का शव तैरता हुआ स्थानीय लोगों को दिखाई दिया था। पानी में तैरता शव स्थानीय लोगों ने देखा तो सनसनी फैल गई, लोगों की मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना नजदीक जीआरपी पुलिस एवं कोतवाली थाना पुलिस को दी। कोतवाली एवं जीआरपी पुलिस घटना स्थल पर भी पहुंच गई, लेकिन घटना स्थल को लेकर जीआरपी एवं कोतवाली थाना पुलिस में गफलत पैदा हो गई। दोनों एक दूसरे के एरिया में शव पड़ा होने का हवाला देकर पल्ला झाड़ते रहे। इस दौरान डेड बॉडी को तो पानी से निकलवा दिया, लेकिन घटना स्थल को लेकर जीआरपी और कोतवाली पुलिस में विवाद गहरा गया। दोनों पुलिस के जांच अधिकारियों ने उच्च अधिकारियों को मामले से अवगत कराया। जीआरपी एवं कोतवाली पुलिस में करीब 3 घंटे तक घटना स्थल को लेकर कंट्रोवर्सी दिखाई गई। इसके बाद
कोतवाली थाना पुलिस उच्च अधिकारियों से वार्ता कर घटना स्थल से बैरंग लौट गई। डेड बॉडी खुले में काफी देर तक पड़ी रही एवं जीआरपी पुलिस मौके पर तैनात रही। सूत्रों की माने तो ट्रेन से गिरकर अज्ञात व्यक्ति की मौत हुई प्रतीत होती है। घटना स्थल भी रेलवे पटरियों की बैरिगेट्स के बीच है। ऐसे में घटना जीआरपी रेलवे परिक्षेत्र में दिखाई दे रही है। धौलपुर से नीरज शर्मा की रिपोर्ट। किन्नर समाज के दो पक्षों में इलाका बंटवारा एवं वर्चस्व को लेकर झगड़ा, एक किन्नर गंभीर घायल। धौलपुर की प्रमुख खबर। कोतवाली थाना क्षेत्र के भामतीपुरा मोहल्ले में रविवार देर रात किन्नर समाज के दो पक्षों में इलाका बंटवारा एवं वर्चस्व को लेकर झगड़ा हो गया। घायल दीपा किन्नर ने बताया कि वह घर पर अकेली थी। रविवार देर रात पूर्व पार्षद शोभाबाई किन्नर अपने सहयोगियों के साथ लेकर उसके घर पहुंच गई। सभी आरोपियों ने घर के अंदर घुसकर घरेलू सामान की तोड़फोड़ कर बर्तनों को फेंकना शुरू कर दिया। आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व पार्षद ने बेल्ट एवं डंडों से पिटाई की है। आरोपी शोभा बाई सहयोगियों के साथ हमला कर मौके से फरार हो गई। गंभीर घायल दीपा किन्नर को मोहल्ले के लोगों ने जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया, जहां उपचार किया जा रहा है। घायल दीपा किन्नर पक्ष के लोगों ने कोतवाली पुलिस थाने में नामजद आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दे दी है। थाना प्रभारी अध्यात्म गौतम ने बताया घायल किन्नर का मेडिकल कराकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धौलपुर से नीरज शर्मा की रिपोर्ट। आपके साथ तो आई मेरे घर पे तो आई इजड़ा। हाँ। मैं भी इजड़ा हूँ। मेरे घर पे इजड़ा आया तो वह मेरे घर पे पूरे बर्तन पूरी टीवी फोड़ के गया, फ्रिज फट के मेरे प्लेट मार के गया सीने में, और देखो जहाँ पर पूरी जाग पर मेरे प्लेट मार के गया पूरे बाबा। तो तू जा रही तो जान से मार दूंगी, जान से मार दूंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दीपा किन्नर। कहाँ के रहने वाले हो? मैं पूरा भामतीपुरा चौराहे पे रहने वाली हूँ मैं। कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा द्वारा महाराणा प्रताप पर की गई टिप्पणी को लेकर सर्व समाज में आक्रोश, प्रदर्शन कर फूंका पुतला, राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। सर्व समाज ने राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने नागौर जिले में दिनांक 14 फरवरी को एक कार्यक्रम में राजस्थान के आन बान शान के प्रतीक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के मध्य सत्ता की लड़ाई बताकर उनके गौरव और स्वाभिमान को गंभीर ठेस पहुंचाई है, जिसे राजस्थान की जनता सहन नहीं कर पा रही है। राजस्थान के नागरिक ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान का आम नागरिक अपमानित महसूस कर रहा है। महाराणा प्रताप ने अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर राजस्थान का नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज कराने का काम किया था, तथा मातृभूमि की रक्षा के लिए घास की रोटी खाई थी। गोविंद डोटासरा ने अभद्र भाषा का प्रयोग कर महाराणा प्रताप का ही अपमान नहीं किया अपितु देश का अपमान किया है। सर्व समाज के लोगों ने बताया कि जब तक डोटासरा माफी नहीं मांगेंगे तब तक सर्व समाज के लोग आंदोलन करेंगे। ज्ञापन में कहा गया कि गोविंद सिंह डोटासरा को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया जाए और माफी मंगवाई जाए। ज्ञापन देने वालों में राघवेंद्र सिंह, राम नरेश, रविंद्र सिंह राघव, कुलदीप सिंह भदौरिया, भूपेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह, चैन सिंह राजपूत, मनीष नेपाल सिंह, मनोज राघव, राहुल सिंह, रणवीर सिंह, योगेंद्र प्रवीण, अजय आकाश, मुकेश ठाकुर, रामावतार राजपूत, उपेंद्र अवधेश, रामावतार प्रदीप आदि मौजूद रहे। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। रास्ते में गुजर रही एक महिला के साथ गांव के ही दो व्यक्तियों ने बदसलूकी कर की मारपीट, सैपो की प्रमुख खबर। उपखंड के छीतापुरा गांव में रास्ते से गुजर रही एक महिला के साथ वारदात हुई है। गांव के ही दो व्यक्तियों पर आरोप है कि उन्होंने महिला के साथ बदसलूकी की, पीड़िता के द्वारा विरोध करने पर उसका गला दबाकर मारपीट कर घायल कर दिया। घटना के बाद महिला को बेहोश हालत में छोड़कर आरोपी मौके से भाग गए। तभी राहगीरों से सूचना पाकर परिजनों के द्वारा पीड़ित महिला को उपचार के लिए उपखंड मुख्यालय स्थित राजकीय हॉस्पिटल लाया गया, जहां डॉक्टर मनीष शर्मा के द्वारा प्राथमिक उपचार करते हुए उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया। जानकारी के मुताबिक अंजलि पत्नी नवल किशोर लोधा के साथ वारदात हुई है। पीड़ित महिला के परिजन यशपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि उसकी चाची अंजलि कूड़ा डालकर खेतों की ओर से वापस लौट रही थी, तभी गांव के ही दो व्यक्तियों ने महिला को रास्ते में रोक लिया और उसके साथ घटना को अंजाम दिया। सैपो से रजनीकांत शर्मा की रिपोर्ट। हमारी चाची बहुत डर के आ रही, तो रावण वास और महाराज सिंह ने गलो मचक दो है, उन्होंने गले में लग गई और हत्या बतिया नहीं है। अच्छा, छीतापुरा। अच्छा, क्या नाम है आपका? यशपाल। कोई पुरानी रंजिश थी क्या? नहीं, पुरानी कोई रंजिश नहीं थी। FIR करा दिया आपने? अभी नहीं कराई, कराएंगे FIR। ठीक, क्या नाम आपका? यशपाल। बार संघ चुनाव संपन्न, अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष पद पर निर्विरोध हुआ निर्वाचन, राजाखेड़ा की प्रमुख खबर।
अभिभाषक संघ के चुनाव में सोमवार नाम वापसी के दिन नया मोड़ सामने आया, जहां राजाखेड़ा अभिभाषक संघ चुनाव में अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष पद के लिए दाखिल किए गए दो दो नामांकन में से एक एक प्रत्याशी द्वारा अपना नामांकन वापस लिए जाने के बाद अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ। अभिभाषक संघ के चुनाव अधिकारी रविंद्र चौहान ने बताया कि सोमवार 21 फरवरी को नाम वापसी के दिन अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी एडवोकेट आनंद प्रकाश अधिवक्ता द्वारा अपना नामांकन वापस लेने के कारण अध्यक्ष पद पर एडवोकेट प्रेम सिंह राघव को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। वहीं कोषाध्यक्ष पद के लिए दिनेश चंद शर्मा द्वारा अपना नामांकन वापस लेने के कारण कोषाध्यक्ष पद पर एडवोकेट होतम सिंह को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। बसेड़ी बयाना सड़क मार्ग पर बाइक सवार ने लोगों को मारी टक्कर, बाइक सवार समेत 4 घायल, 2 घायल हायर सेंटर रेफर। धौलपुर बसेड़ी की प्रमुख खबर। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना बीती रात की बताई जा रही है। बसेड़ी बयाना सड़क मार्ग पर पेट्रोल पंप के सामने 3 लोग सड़क पर खड़े थे। बयाना की तरफ से तेज रफ्तार में आ रही बाइक ने सड़क पर खड़े राहगीरों को चपेट में ले लिया। दुर्घटना में 4 जने गंभीर घायल हुए हैं। स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस को सूचित कर सभी घायलों को बसेड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया, लेकिन सभी के गंभीर चोटें होने पर चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। रात्रि में सभी घायलों को जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, लेकिन बाइक चालक एवं एक अन्य घायल की नाजुक हालत होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर जयपुर हायर सेंटर रेफर किया है। उधर घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बाइक को कब्जे में लेकर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। धौलपुर से नीरज शर्मा की रिपोर्ट। सशक्त बूथ और अंत्योदय का दर्शन ही भारतीय जनता पार्टी की धुरी है। श्रवण वर्मा, धौलपुर की प्रमुख खबर। भारतीय जनता पार्टी की बैठक जिला कार्यालय रैना होटल धौलपुर पर आयोजित की गई, जिसमें भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण वर्मा ने सभी मंडल अध्यक्षों, मंडल प्रभारियों और अल्पकालीन विस्तारकों से सशक्त बूथ अभियान पर विस्तृत चर्चा की और कहा कि सशक्त बूथ से ही राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राम राज्य स्थापित किया जा सकता है और लुटेरी कांग्रेस सरकार से निजात पाई जा सकती है। बैठक में जिला अध्यक्ष ने समर्पण निधि अभियान पर विस्तृत चर्चा की। पूर्व विधायक सुखराम कोली ने कहा कि अंत्योदय का दर्शन भारतीय जनता पार्टी का मुख्य दर्शन है। अंत्योदय के दर्शन को सशक्त बूथ से ही साकार किया जा सकता है। प्रदेश कार्य समिति सदस्य विशंबर दयाल शर्मा, जिला महामंत्री सत्येंद्र पारासर, जिला उपाध्यक्ष कमल पहाड़िया, राजीव रस्तोगी, विनय परमार, नागेंद्र सिंह, जितेंद्र राजौरिया, कुकू शर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा बॉबी परमार, जिला अध्यक्ष एसपी मोर्चा विक्रम सिसोदिया, सगीर खान, डॉक्टर मनोज शर्मा, ब्रजमोहन शर्मा, नंद किशोर शुक्ला, मंडल अध्यक्ष हाकिम सिंह लोधा, रामकिशोर शर्मा, कुंवर सिंह भदौरिया, लाडली मोहन त्यागी, रामविलास बघेल, गोपाल कटारा, मुकेश हनुमानपुरा, राहुल जाट, देवेंद्र भारद्वाज, बनवारी लाल, सत्येंद्र सिंह तोमर, पंकज नेकाडी, अनिल धारिया, राम शर्मा, प्रशांत सिंह परमार, रामवीर सिंह गुर्जर, उदय सिंह परमार, कुलदीप शर्मा, राजकुमार सत्य राम शर्मा आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ब्लॉक स्तरीय जन्म मृत्यु एवं विवाह पंजीयन पर आधारित एक दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। बड़ी की प्रमुख खबर। बड़ी पंचायत समिति सभागार में सोमवार को जन्म मृत्यु एवं विवाह पंजीयन कार्यशाला का आयोजन राधेश्याम मीणा की अध्यक्षता में हुई, जिसमें जन्म मृत्यु एवं विवाह पंजीयन के दौरान आ रही समस्याओं के बारे में कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस दौरान राम प्रकाश एडी धौलपुर ने बताया कि जन्म मृत्यु एवं विवाह पंजीयन के दौरान आ रही समस्याओं को कैसे हल किया जाएगा, जैसे विधवा विदुर के विवाह पंजीयन, डिजिटल हस्ताक्षर प्रयोग, एक से अधिक प्रति, नाम परिवर्तन गजट नोटिफिकेशन, अवयस्क के लिए विवाह की सूचना जिला कलेक्टर महोदय को देवें, बालक बालिका का बिना नाम का जन्म प्रमाण पत्र सहित अन्य बारीकी से जानकारी दी गई। इस मौके पर उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा, सहायक निदेशक राम प्रकाश, विकास अधिकारी व अधिशासी अधिकारी रामजीत सिंह, ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी गजेंद्र सिंह गुर्जर, मनोज कुमार गुर्जर, ASO सफाई निरीक्षक सीताराम शर्मा, डॉक्टर बनवारी मीणा, PHC उमरे, पालिका के तपेश विधूड़ी, सुमित तिवारी, पुरेंद्र प्रताप सिंह CHC कंचनपुर, राकेश चंद मीणा BSO बसेड़ी, ब्रज किशोर शर्मा VDO बिजोली, सुरंदम सिंह JA पंचायत समिति वाड़ी, कुसुम लता मीणा VDO बहादुरपुर, अनिल कुमार PHC खानपुर सहित समस्त ग्राम विकास अधिकारी एवं अन्य विभागों के कार्मिक एवं अधिकारी मौजूद रहे। वाड़ी से कान्हा शर्मा की रिपोर्ट।
बच्चों के अधिकार एवं संरक्षण में ब्लॉक स्तरीय बाल सुरक्षा समिति सदस्यों की अहम भूमिका होती है। रजनी जैन, बसेड़ी की प्रमुख खबर। दिनांक 21 फरवरी 2022 को प्रयत्न संस्था द्वारा परियोजना मूविंग अहेड के तहत ब्लॉक स्तरीय बाल सुरक्षा समिति की कार्यशाला पंचायत समिति सभागार बसेड़ी में आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता पंचायत प्रधान अमित परमार, पंचायत प्रसार अधिकारी प्रेम पाल कुशवा, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी उमा शंकर, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजेंद्र मीणा, महिला बाल विकास विभाग से पद्मा रानी तिवारी, प्रयत्न संस्था से रजनी जैन व फजरू खान ने सरस्वती माँ का माल्यार्पण कर शुरुआत की। रजनी जैन ने संस्था और परियोजना का परिचय के साथ कार्यशाला के उद्देश्य की जानकारी दी और कहा कि 1992 से हमारी संस्था बच्चों के अधिकार एवं संरक्षण के मुद्दों पर समुदाय को जागरूक कर रही है। फजरू खान ने पंचायत ब्लॉक जिला स्तर पर बाल सुरक्षा समिति के गठन प्रक्रिया बताई। राजेंद्र मीणा एवं योगेश ने बताया कि समस्त ब्लॉक स्तरीय बाल सुरक्षा समिति के सदस्य व ग्राम विकास अधिकारियों एवं सरपंचों ने अपनी अपनी ग्राम पंचायतों में बाल संरक्षण को बढ़ावा देने का निर्णय लिया। कार्यशाला में प्रयत्न संस्था से अनिल शर्मा, ठाकुरदास कुशवा, रचना गुर्जर, देवी सिंह कुशवा, मालती मीणा आदि उपस्थित रहे। राजकीय महाविद्यालय सैंपऊ का परीक्षा परिणाम 98% रहा। सैंपऊ की प्रमुख खबर। महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर द्वारा घोषित बीए द्वितीय वर्ष के परिणाम में राजकीय महाविद्यालय के छात्रों का परिणाम 98% रहा है। कुल 168 छात्रों के द्वारा परीक्षा दी गई, जिसमें से 10 छात्र प्रथम श्रेणी में एवं अधिकांश छात्र द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण रहे। महाविद्यालय की छात्रा क्रमशः कुमारी हेमलता शर्मा एवं शिवानी पारासर व हर्षिता परमार ने छात्रा वर्ग में टॉप किया है एवं छात्र वर्ग में क्रमशः सूरज व सनी सुमन ने टॉप किया है। आज इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा एवं स्टाफ जनों ने सभी छात्रों को बहुत बधाई दी एवं आगामी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर महाविद्यालय की श्रीमती रंजना सिंगल, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी देवेंद्र सिंह कश्यप, वरिष्ठ सहायक निर्मल सिंह गुर्जर, कनिष्ठ सहायक मुकेश चंद, गेस्ट फैकल्टी कुमारी अर्पणा, गेस्ट फैकल्टी डॉक्टर जावेद खान, गेस्ट फैकल्टी ने भी संबोधित किया।